सबसे पहले आपको रेगलॉन स्लिप बनाना है, रेगलॉन स्लिप विथ का ब्लाउज बनाना है, ठीक है, ब्लाउज विथ रेगलॉन स्लिप। तो कैसे बनाते हैं, इसकी नाप जो है वो क्या है, वो सीना, सीना क्या है, मेजरमेंट क्या है, नाप, नाप क्या है, सीना 36 इंच, कमर 28 इंच, तीरा का 14 इंच, कंधे से डॉट की लंबाई आपकी 10 इंच, पूरी लंबाई 15 इंच, आस्तीन की लंबाई 10 इंच, आस्तीन की मोरी 10 इंच की, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले बनाते हैं, स्केल आपका 1/4 है और रेगलॉन ब्लाउज विथ स्लिप, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए 15 इंच का आपको लंबाई लेनी है, ऐसे ली 15 इंच की लंबाई, निशान लगा लिए, ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद फिर क्या लेते हैं, तीरा लेते हैं, तीरा लेंगे, तीरे का आधा 7 इंच निशान लगाएंगे, 7 इंच पे निशान इस तरीके से लगा लिया। इसको लगाने के बाद आपको ऐसे कार्ड स्केल रखना और यहाँ से यहाँ निशान लगाना है 7.5 पे। तो 7.5 कैसे आएगा, सीने का चौथाई भाग माइनस 1.5 इंच, तो 7.5, 9 × 36 माइनस 1.5, तो 7.5 इंच, ओके। अब ये निशान लगाने के बाद आपको लेना है लूजिंग के लिए सीने का चौथाई भाग, इसमें सीने का चौथाई भाग प्लस आपको करना है, प्लस करना है 1.5 इंच, ठीक है, तो 10.5 इंच, ओके। अब 10.5 इंच लेने के बाद आप इसको इस तरह से मिला देंगे लाइन को, तो ये यहाँ तक आएगी, ठीक है, सफ़ेद। अब इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की लाइन भी बनानी है, तो 10.5 पे निशान लगा के यहाँ तक 10.5 आ रहा है और इस यहाँ तक मिला देंगे इस जगह, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 9 × 36 आपका 7 × 28, तो 8 इंच पे निशान आ, देखिए बिल्कुल आ रहा है, तो 1.5 इंच प्लस कर रखा है, तो 7 × 28 7 + 1.5, तो कितना आएगा आपका 8.5, तो 8.5 आ रहा है, ठीक है, 8.5 इंच। तो ये देखिए 8.5 इंच पे निशान लगाए और इसको तिरछा मिला दिया है, ठीक। इसको मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, गला बनाना है। गले के लिए जैसे बताया है आपको, सीने का 12वां भाग लेते हैं स्लोकन गला बनाने के लिए, नेक बनाने के लिए, तो सीने का 12वां भाग 3 इंच और 3 इंच ही इधर लेते हैं, देखिए 3 इंच, ठीक है, 3 इंच ले रखा है, ओके। अब इसको लेने के बाद राउंड शेप पे आप नेक बना देंगे इस तरीके से। बढ़ुआ पट्टी भी इसमें सो करी हुई है ब्लाउज़ में, देखिए इस तरह से 1.5 इंची ली हुई है, 1.5 इंची 1.5 इंची, ये बढ़ुआ पट्टी, इसमें आई हुक कांच के बटन का काम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए नेक लाइन बन गई। अब नेक लाइन आपको क्लियर समझ में आ गई, अब इसमें क्या डॉट डालनी, डॉट की दूरी देखिए इसमें दी हुई है 10 इंच पे, ठीक है, 10 इंच पे डॉट दी हुई है। तो क्या करेंगे, पहले 7 का आधा 3.5 लेंगे, 3.5 को सीधे लाइन पे ले जाएंगे इस तरीके से और नीचे 10 पे निशान लगाएंगे। 10 पे निशान लगाने के बाद 1.5 इंच नीचे छोड़ देंगे, यहीं से आप ले लीजिए, देखिए 1.5 इंच नीचे छोड़ दिया और सबके अच्छा सूत्र इसको है कि 1 इंच इधर ले लीजिए और 1 इंच इधर ले लीजिए, तो आपको 2-2 इंच यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर, 2-2 इंच इधर मिल जाएगा और इधर से आपको 1 इंच इधर से लेना और 1 इंच इधर लेना, सब पेंट इससे ज़्यादा दूरी नहीं है, यह 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से। और नीचे की डॉट डालने के लिए आपको निशान खींच देंगे इस तरीके से, लाइन खींच देंगे। अब नीचे की डॉट डालने के सूत्र जो है वो है सीने का 12वां भाग प्लस 0.5 इंच, तो 3.5, तो ऐसे कार्ड स्केल रखेंगे, 3.5 पे निशान लगाएंगे, 0.5 इंच इधर और 0.5 इंच, देखिए 1 इंच का निशान लेंगे, 0.5 इंच इधर और 0.5 इंच इधर, देखो दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। अब यही डॉट डालने के लिए इधर से आप 2.5 से 3 इंच, ये 3 इंच ले रखा है, आप 2.5 से 3 इंच लेते हैं, देखिए ये, ठीक है, 2.5 से 3 इंच, वैसे 2 इंच पे निशान, 1 इंच टर्निंग सो हो रहा है, 2 इंच पे भी डाल सकते हैं, 2.5 से 3 इंच से ज़्यादा ये डॉट साइड की नहीं जाती, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, इतना क्लियर होने के बाद 1 इंच टर्निंग सो कर रखिए, देखिए पल्ले पे 1 इंच टर्निंग सो कर रखिए इसी तरीके से, देखिए ये टर्निंग की लाइन है दबाव की मोड़ने की, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, ये फोल्ड है, ये पार्ट क्या है, ये फोल्ड है, ओके। अब ये फोल्ड होने के बाद क्या है, बैक पल्ला, बैक पल्ला कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको बताया है कि इसमें पीछे उठाएंगे, 1/24वां भाग उठाते हैं, तो 24 1 + 24 और 12 है, तो 1.5 इंच, 1.5 इंच आपने ये ले रखा है, ये शेप करेंगे और इसी में इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। अगर आपको पीछे गला नहीं करना है तो आप इसमें इसी लाइन में मिला सकते हैं, और अगर आपको गला हाइटर करना है तो आप इसमें लाइन में मिला सकते हैं, जितना भी स्वेच्छा से आप गला करना चाहते हैं, ठीक है। अब गला तो बन गया,
क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको स्लीप आर्म होल देना है। तो इसमें आर्म होल कहाँ से जाएगा, नेक लाइन से जाएगा, डिफरेंट है। तो अब आप यहाँ से 1 इंच छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते, आप इस तरीके से इसको ऐसे मिला सकते हैं, इस तरीके से ऐसे, और चाहे तो सीम को दिखा के इस तरीके से आपने 1 इंच यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे इसको तिरछा मिला दिया है। ये वाला गहराई दे रखी है, ये आधा आधा इंच इधर आधा इंच इधर, और ये जो गहराई दी हुई है ये बैक की, और ये जो दी हुई है इसमें इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देते क्योंकि ये बस्ट लाइन पे जाके फंसेगा, इसलिए यहाँ पे आर्म होल पे नहीं, आर्म होल पे नहीं है, और ये नीचे को नेक लाइन पे है तो इसलिए इस पे ज़्यादा गहराई नहीं देते। ओके, यहाँ पे देखिए आपने स्लिप, ये देखिए 3.5 इंच यानी 12वां भाग बढ़ा रखा है हमने, तो 3.5 इंच 12 3 36 प्लस आधा इंच, तो 3.5 इंच, ये देखिए 3.5 इंच। और इसके बाद आपकी लंबाई यहाँ से यहाँ की लेनी है इस तरीके से, तो 10, ठीक है ऐसे, ठीक। तो टोटल यहाँ से कंधे से यहाँ पे 10 लेनी है, तो ये जैसे ले लिया, ठीक। अब आधा बॉटम का आधा आपका लेना है, तो 5 इंच, ये देखिए 5 इंच पर निशान लगाया है, और इसके बाद 1 इंच टर्निंग शो करी है, और इसको धीरे से शो करते हुए स्लिप लाइन को इस तरह से आर्म होल से मिला दिया, ये नोक दिखाई दे रही है, ये आपकी फिटिंग लाइन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। अब आप जितना भी स्लिप लेना चाहें आप इसमें बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। आप फुल आस्तीन करना चाहें तो आप फुल कर सकते हैं, आप इसको कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना, हाफ स्लिप, क्वार्टर स्लिप, जैसी भी आपको बनानी हो आप उस तरह की स्लिप बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये जो पल्ला है इसमें को आप पाइपिंग के माध्यम से डेकोरेट कर सकते हैं, लैस के माध्यम से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे चाहें उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये पल्ला तो फ्रंट का था और ये पल्ला आपका बैक का है, ध्यान रखिएगा इसमें बैक पे, इसमें जैसे और ब्लाउज़ों में गहराई दी जाती है इस तरीके से, वो नहीं देना है, सेम एक ही रीज़न से एक ही तरीके से स्लिप कटेगी और एक ही तरीके से बनेगी, ठीक है, और आपका क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करें, कमेंट्स करें, उसको औरों को भी भेजें ताकि उनको भी इस ब्लाउज के बारे में पता हो, स्लिप पता हो, जो भी आपको डाउट क्लियर नहीं होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप उसमें पूछिए, मुझसे क्लियर कर देंगे। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि लोग और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और बनाएं, ठीक है। और जो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नहीं किया हुआ है तो, जैसे भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको पता चलेगा, जानकारी हो जाएगी और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत लोग कह रहे हैं तो दूसरा और भी ब्लाउज़, डिफरेंट टाइप के ब्लाउज़ का वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमें, मुझे पता चलता है कि आप लोग चैनल देख रहे हैं और उसमें तो अच्छा लगता है बनाने में वीडियो। ओके, थैंक यू।